फाइनली गाइस आज हमारे पास है पोको X6 Pro और ये फोन के अंदर गाइस आज हम करने वाले स्मूथ 90fps HDR एक्सट्रीम ओवरऑल ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ गेमिंग टेस्ट हीटिंग टेस्ट कंपैरिजन एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट हम लोग करने वाले और ओवरऑल भाई ये फोन को परचेस करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए सब कुछ यार बताऊंगा। तो ऐसा करते करते इंट्रो मैं भूल गया, तो चलो लॉन्डो भाई यार बताओ कैसे हैं हाल चाल, लोचा अगर कुछ चल रहा है शेयर कर सकते हो यार कमेंट पर। तो चलो भाई अभी चलते हैं वीडियो में और अपना भाई शेयर कर सकते हो कुछ भी चल रहा है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, उधर गिफ्ट वगैरह मिलता है। तो भाई हाँ थोड़ा लालच दे रहा हूँ लेकिन यार फ़ायदा आपका भी है। तो चलो भी ऊपर हम लोग पूरा टेस्ट करने वाले जैसे कि 23,000 के अंदर फोन जैसे कि देखने को मिल रहा है तो भाई ये फ़ोन के अंदर गेमिंग कैसे चलेगा, ओवरऑल एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट होने वाला है। कोई कंपनी से फोन हम लोग लाते नहीं जिसके वजह से भाई हमारा बहुत पैसा खर्च हो जाता है वो बता लगे। आप लोग कर दोगे सब्सक्राइब, मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्यार करते हो लेकिन यार मतलब जैसे कि हम लोग को कोई कंपनी से फ़ोन नहीं मिलता एक बार दो बार मान लेते तो हम लोग जेन्युइन रिव्यू दे पाते हैं ठीक है। तो अभी थोड़ा मजाक से हट के हम सीरियस हो जाते हैं ठीक है, तो सीरियस हो गए तो चलो अभी हम लोग अरे हो ही नहीं पाते यार बैटरी ड्रेन वगैरह सब कुछ हम लोग देखने वाले FPS कैसा देखने को मिलेगा सभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग आ चुके अपना फ़ोन का होम स्क्रीन पर, देखो कितना सीरियस हो गया भाई। तो चलो भाई अभी टेम्परेचर मैंने दिखा दिया 38 डिग्री चल रहा है तो गेमिंग ओवरऑल करने वाले उसके बाद गाइस आप लोगों को दिखेगा कितने FPS मेंटेन कर पाता है फोन। तो बैटरी के अंदर कितना चार्ज है मैंने आप लोगों को दिखा दिया, दिखा नहीं किया क्या कर रहे थे हाँ चोरी वोरी का मैसेज आया था क्या हाँ मुझे भी बता दो। तो चलो यार अभी यहाँ पर फिर से मैं दिखा देता हूँ कोई बात ना। तो यहाँ पर देख लिया 93% फ़ोन के अंदर चार्ज है ठीक है। तो यहाँ पर भाई चार्ज 93% है, मैंने BGMI के ऊपर ऑन करते ओवरऑल जायरोस्कोप वगैरह मुझे लग रहा है काफ़ी सही चलेगा। हाँ मैंने ट्राई करके देखा था, ज़्यादा नाटक करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो फिलहाल गेम के अंदर हम लोग आ चुके हैं, सीधा स्किप किया था मैंने ठीक है समझ गए होंगे आप लोग। तो चलो भी यहाँ पर दिखाते हैं कितना FPS आप लोग को फोन के अंदर देखने को मिलेगा। डिफॉल्ट आप लोग स्मूथ 90fps पर खेल सकते हो फोन के अंदर, मतलब एक्सट्रीम क्लास जिसको बोलते हैं अभी। तो HDR एक्सट्रीम भी आप लोग खेल सकते हो, HD वगैरह डाउनलोड नहीं था सब कुछ डाउनलोड कर लिया। तो हम लोग नॉर्मल खेलेंगे स्मूथ और 90fps, उसके बाद HD छोड़ते भाई हम लोग सीधा स्विच करेंगे HDR और एक्सट्रीम पर। और ये जो दिख रहा है ना इसको आप लोग ऑफ कर देना है तो भाई ज़्यादा फोन हीटिंग होगा, परफॉर्मेंस स्टेबल देता है लेकिन हीट होता है। तो अगर आप लोग AC के नीचे बैठ के खेल रहे हो, कूलर वूलर है आपके फ़ोन के पीछे या फिर भाई आप लोग ठंडी लोकेशन पर बैठ के गेम खेल रहे हो तो आप लोग उसको ऑन कर सकते हैं तो फोन हीट होगा। और भी बहुत सारा टच ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है तो जो आप लोगों को मैं फ्री के अंदर बता रहा हूँ। तो एडिक्शन सेटिंग के जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इससे आप लोग इन्हेंस करोगे तो आपका टच भी और ज़्यादा फास्ट होगा, टच रिस्पॉन्स आपका फास्ट हो जाएगा ठीक है। ये चीज़ मेरे को बहुत सही लगता है, हर एक फ़ोन में देना चाहिए लेकिन इस स्पोर्ट में अलाउड नहीं, इस स्पोर्ट अगर खेलते हो तो भाई इसको ऑफ ही रखना शायद अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर गाइस ब्राइटनेस वगैरह में आप लोगों को कलर सैचुरेशन आप लोग इनेबल कर सकते हो, बहुत से लोगों को पता नहीं होता ये सब चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता बाद में बेच देते, तो इसके लिए भाई मैं ये चीज़ आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन। हम लोग खेलने वाले क्लासिक मैच और फास्ट मैच हम लोग खेलेंगे स्मूथ और एक्सट्रीम पर। और अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जायरोस्कोप वगैरह ओवरऑल कैसे वर्क कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मैच के अंदर आ चुके हैं और जायरोस्कोप भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छे वर्क कर रहा है देख सकते हो भाई, टच भी काफ़ी स्मूथ है, मैंने कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर भराया नहीं था लेकिन फिर भी यार काफ़ी फास्ट यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो चलो फिलहाल अभी हम लोग लैंड कर चुके माइंड को ठीक करो अपना। तो लैंड कर चुके भाई यहाँ पर क्या नाम है साइंस सेंटर पर, और जो वो था ना पिछले वाला मैंने खुद से ही बताया था, आप लोग खुद के बीच में बातचीत मत करना कि भाई ने जानबूझकर बताया, जानबूझकर बताया था। तो चलो अभी साइंस सेंटर के अंदर हम लोग लैंड कर चुके हैं और यहाँ पर भाई अभी जाने के बाद देखो बंदूक वगैरह हमको मिल गया और काफ़ी स्मूथ FPS देखने को मिल रहा है यार, मक्खन चल रहा है। पोको X3 Pro मैं यूज़ कर रहा था उसके बाद यही फ़ोन में मेरे को लगा है कि भाई इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो एक बंदे को मैंने निपटा दिया और एक भाई फिलहाल के टाइम पे Realme के बहुत सारे फ़ोन के अंदर भाई अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो मैंने देखा है भाई बहुत लैग होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि अंदर नहीं होता, लेकिन भाई MI के अंदर आप लोग 90fps पर बहुत ही स्मूथली रिकॉर्ड कर सकते हो। पिछले मैच में मतलब सॉरी इसके बाद मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद, आप लोग देख लेना कैसा आप लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हैंड कैम पर आप लोग देख लेना और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप लोग को साइड में शो कर दूंगा ओके। सो सिंबल दिख ही जाता आप लोगों को पता भी चल जाएगा। सो भाई यहाँ पर अभी तक भी कोई भी तू से मेरे को लैग देखने को नहीं मिला, लैंडिंग के टाइम पर नहीं और अभी भी नहीं।
तो यहाँ पर भाई आप लोग सोचना मत कि बाहर बारात जा रहा है किसी का, कुछ नहीं भाई, उतना सोचने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पर रथ यात्रा जो है ना वो चल रहा है, तो सबको भाई शुभकामनाएं रथ यात्रा का। आप लोग घूमो, लड़की बटाओ, लड़कीबाजी करो, वही तो करने जाते हो। तो चलो छोड़ो यार, अभी हम लोग मतलब इंटरनेट पर ही खेल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर, और 4G पर चल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पर भाई फ़ोन हीटिंग हो सकता है, 4G प्लस 5G फ्लैक्चुएट करेगा, तो हम लोग देखने वाले हीटिंग कितना होता है। सेकेंड बार हम लोग लैंड कर रहे हैं, पिछले बार हमारा टाटा वाईवाई हो चुका था, इस बार हम लोग खेल रहे स्क्रीन रिकॉर्ड से। साइज से आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट साइड मेरे थंब के साइड में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है। और आप लोगों ने सोचा होगा भाई कितना गंदा है, नाखून कितना बड़ा रखा है, ऐसा कोई बात ना भाई, यहाँ पर गेम खेलने में बहुत दिक्कत आता है, ठीक है, तो इसके लिए ये रखना पड़ता है। अभी तक तो भाई बहुत ही सही चल रहा है, और मुझे लग रहा है भाई बाहर से जो म्यूज़िक आ रहा है मेरे को बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना नहीं पड़ेगा, फिर भी चलो यार लगा लिया। तो चलो भाई, सामने घर पे एक बंदे हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर मैंने नहीं दिया क्योंकि यार वो एडजस्ट करने में भाई बहुत दिक्कत आता है, बहुत। इस टाइम पे एक बंदे को मारा, फिर से कट करो उसको भाई, ये लोचा हो जाता है, कभी आगे पीछे चल जाता है, तो साउंड में फ्लैक्चुएशन आता है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने नहीं दिया। तो थोड़ा हेल्प मैं कर लेता हूँ, चलो इसकी स्कीप ही कर देते, अभी बंदे के पास चलते सीधा। तो एक बंदे को मारा भाई, ओ भाई दूसरे को भी यार मार दिया। देखो भाई इसके लिए लाइक तो बंदा यार मर ही जा रहा था, ये थोड़ा सा HP था मेरा पास, उससे मैंने मार दिया, उसका गोली शायद कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए भाई लाइक तो बनता है। हर एक चीज़ के लिए अगर लाइक करना पड़े तो भाई चार चार लाइक बटन का ज़रूरत है। यूट्यूब को मैं बोलूँगा चार लाइक बटन मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, फिर एक ही दगा दबा दो एक बार, और भाई शैतानी करके दो तीन बार दबा मत देना भाई, यहाँ पर फिर से लाइक चला जाएगा, और डिसलाइक तो करना ही मत। तो चलो भाई अभी यहाँ पर ऊपर भी बंदे होंगे, और अभी फिलहाल आप लोग देखते हैं भाई कितने बंदे को मार पाते हैं। नीचे शायद रिवाइव कर रहा था एक बंदे उसका टीममेट को, ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल तो नीचे कोई नहीं है, भाग गया शायद साला ये। आप भाई ये क्या सीन हुआ भाई, मैंने इतना मारा एक शॉट गन मतलब लास्ट में चला है तो मर गया भाई मैं, ये तो ना इंसाफी है सीधा। और अभी फिलहाल हम लोग सेकेंड मैच पर आ चुके हैं, और अभी हम लोग स्विच करेंगे भाई सेकेंड मैच पे, और HDR और एक्सट्रीम पर प्लैटिनम टू, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा प्लस माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग भी मुझसे खेलना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भाई अपना ID सेंड करो, इंस्टाग्राम ID दिख रहा है, और इंस्टाग्राम पर भाई डेली आप लोग को मंथली आप लोग को गिफ्ट भी देखने को मिलता है, पेटीएम कैश 500-300 आप लोग को एक दो बंदे को मिल जाएगा, और उसके बाद भाई आप लोग को बोट का एयरपॉड्स वगैरह और भी बहुत सारा गिफ्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा जब भाई 10K सब्सक्राइबर होगा, बड़ा गिफ्ट रहने वाला है। तो इसके लिए भाई आप लोग इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर रहे हो, उधर पोस्ट वगैरह भी मैं अपलोड करता हूँ। तो अभी यार सेकेंड बार भी हम लोग लैंड कर, थर्ड बार लैंड कर रहे हैं, अभी भी यार मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, इस बार मैंने लैंड ही बोला था, ठीक है लैंड। तो चलो यार कोई भी यार लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, HDR एक्सट्रीम पर भी काफ़ी स्मूथ चल रहा है भाई, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जो रियल गेम प्ले होता है हैंड कैम उससे भाई दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड होता है तो समझ में आ जाता है। तो एक को मैंने मार दिया ये भाई, इसने तो मेरा कर दिया टाटा बाय बाय। अरे भाई मारना ही था मुझे ही, अभी अभी तो उतरा था भाई, थोड़ा पब्लिक के सामने थोड़ा लोचा वोचा बनाने दो कि ये भाई इतना प्रो है, दो तीन बंदे को तो मारना ज़रूरी है भाई। यहाँ पर एक बंदे को मारा शायद मैंने, और सोचना मत ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो चलो भाई हम लोग इस बार भी लैंड कर रहे हैं, और वो भी यार HDR और एक्सट्रीम पर ही, HDR एक्सट्रीम पर कलर वगैरह मेरे को सही से भाई बंदे भी दिखाई नहीं, कौन सा बंदा खेलता है, कौन सा शराब पी के लोगों ने भाई HDR एक्सट्रीम फ़ोन पे दे दिया कंपनी ने मेरे को पता नहीं, लेकिन यार इससे कौन खेलता है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता बंदा, सामने भी सोया था फिर भी मैं डाउट में रहता हूँ कि ये बंदा मेरे को दिखेगा ही फिर नहीं, नूब बन जाता भाई, क्लोज रेंज फाइट करना ही नहीं जाता। तो हम लोग सामने जा रहे भाई बंदे से फाइट करने के लिए, तो यहाँ पर ज़रूर मरेगा भाई वो, ये फिर मैं वो पता नहीं, लेकिन यार मरेगा कोई ज़रूर। तर बाहर आ भाई, छुप के कहाँ बैठा है भाई, इसने सोचा मेरा गोली जोड़ लगा, और ये भाई फंस गया चूहा जल पे, जल पे चूहा फंसता है, जल या पानी,
क्या भाई ये दिक्कत आ जाती है मेरे को। तो चलो भाई यहाँ पर मर चुके हैं बंदे और यहाँ पर एचडीआर एक्सट्रीम पर हमारा एक मैच हो चुका है ख़त्म, क्योंकि भाई मैं मरूंगा वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाला। काफ़ी अच्छे FPS वगैरह मेंटेन किया है, लैग वगैरह कुछ नहीं हुआ, हीटिंग वगैरह मेरे को लग रहा है कैमरे के साइड में देखने को मिला है, इसलिए 4G चल रहा है तो हीटिंग होगा ही, क्योंकि यहाँ पर फ्लैक्चुएट कर रहा है 4G 5G और बहुत हेवी हमने गेमिंग किया है, तो अभी देखते हैं गाइस हीटिंग कितना होता है, बैटरी ड्रेन वगैरह। तो चलो, तो बहुत ज़्यादा हेवी टेस्टिंग किया है हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, तो यहाँ पर 44.6 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है, ठीक है। तो भाई फिलहाल ये तो होना ही था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और स्क्रीन रिकॉर्ड भी हम लोग कर रहे थे, तो अभी मैं आप लोग को एंट्री स्कोर दिखा देता हूँ, बाद में भूल जाऊँगा। तो यहाँ पर 13.5 लाख कंट्रीब्यू स्कोर देखने मिलता है, काफ़ी बार 14 लाख से ऊपर भी चला जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर ओवरऑल सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है, मैटर करता है। तो अभी गाइस यहाँ पर ओवरऑल गाइस सब कुछ मैंने आप लोग को दिखा दिया, सो ये फोन को भी फिलहाल के लिए मेरे तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा, अगर पोको का फोन आप लोग परचेस करना चाहते हो तो आप लोग ये भी देख सकते हो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कितनी देर तक हमने फ़ोन के अंदर खेला है और यहाँ पर अभी भी चार्ज है 86%, ठीक है। तो 1 घंटे तक हमने गेमिंग किया है, बहुत देर तक गेमिंग किया, अभी भी इतना चार्ज है, तो सोच सकते हो भाई कितना बैकअप दिया। तो मेरे अगर मानो तो भाई अभी ऑफर में चल रहा है ये फ़ोन और 32,000 जिसका प्राइस है आईकोन A7 प्रो 30,000 के अंदर भी आया था, तो उसके जैसा परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा, ठीक है। तो बहुत ही स्मूथ है गेम प्ले ओवरऑल, जायरोस्कोप सब कुछ, टच सैम्पलिंग रेट काफ़ी अच्छे से वार कर रहा है फोन का, लुकिंग मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, 1.5K रेजोल्यूशन का आप लोग डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो ये फोन आप लोग ले सकते हो भाई। परफॉर्मेंस के हिसाब से तो भाई एकदम बहुत ही मक्खन चल रहा है और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है आप लोग डिसाइड करो और कमेंट पर बताओ भाई कि आपको लेना है फिर नहीं लेना, अगर आप लोग यूज़ करो तो भी यार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।